नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। बेंगलुरु में 14वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का पीएम नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। कहा, प्रवासी भारतीय जहां रहे वहां का विकास किया। प्रवासी भारतीयों में है देश के विकास की इच्छा शक्ति। समाजवादी पार्टी में जल्द खत्म हो सकती है कलह। पार्टी दफ्तर से दिल्ली के लिए रवाना हुए मुलायम सिंह और शिवपाल। मुलायम सिंह ने कहा कि पार्टी में नहीं है कोई मतभेद। आपत्तियों के बावजूद संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से होगा शुरू। सरकार ने आधिकारिक सूचना जारी कर दी जानकारी। राष्ट्रपति ने 31 जनवरी को राज्यसभा और लोकसभा की बुलाई बैठक। लखनऊ में सपा के पूर्व विधायक के बेटे ने अपनी कार से सड़क किनारे रैन बसेरे में सो रहे लोगों को रौंदा। 4 मजदूरों की मौत, 12 गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। कड़ाके की ठंड के साथ दिल्ली में छाया घना कोहरा। 41 ट्रेनें तय समय से देरी से चली, 5 ट्रेनें रद्द। 4 ट्रेनों के समय में किया गया बदलाव। भारी बर्फबारी के बीच पहाड़ों पर बर्फीले तूफान का अलर्ट। जम्मू कश्मीर में 5 से 7 फीट हुई बर्फबारी। भारी बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद, यातायात प्रभावित। और पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति सोरेस का 92 साल की आयु में निधन। पिछले 2 सप्ताह से अस्पताल में थे भर्ती। सोरेस को पुर्तगाल में लोकतंत्र की स्थापना का माना जाता है जनक। ये तो ही अब तक की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।